बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ीशान अली और आप देख रहे हैं मेट्रो टाइम न्यूज़। नाज़रीन, 22 जुलाई को पंजाब असेंबली में होने वाले इजलास में जो तमाशा किया गया, जिस तरह से 22 करोड़ अवाम की तोहीन की गई, ये एक इंतहाई शर्मनाक और आइन के मुंह पर जो तमाचा मारा गया, इसे अवाम कभी नहीं भूलेगी। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे बाबर अवान का एक ऐसा इंकशाफ जिसके बाद नून लीग समेत पीडीएम की तमाम जमातें अपनी कब्र खुद खोदना शुरू कर देंगी। गैर आइनी और गैर कानूनी काम करके ये बुजदिल हुकूमत अब पंजाब में रेंजर तैनात करने जा रही है। इसके अलावा बात करेंगे किस तरह एक भाई ने दूसरे भाई की कमर में छुरा घोंपा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ज़मीनी इलेक्शन में वाज़िया कामयाबी के बाद जब पीडीएम को पंजाब में अपनी हुकूमत गिरती हुई नजर आने लगी, तो बिग बॉस को पंजाब में बुलाया गया और फिर सब ने देखा किस तरह इंसानों के ज़मीरों की मंडियां लगी। जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एमपीएस ना बिके, तो पीडीएम के बिग बॉस आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चेयरमैन चौधरी शुजात के सामने पैसों की बोरियां रख दी। जब फेंकी तो चौधरी शुजात के मुंह से रालें टपकने लगी और चौधरी शुजात ने अपनी ही पार्टी को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। नाज़रीन, चौधरी शुजात की इस हरकत पर मुस्लिम लीग काफ के कारकुनान की बड़ी तादाद लोटे उठाकर चौधरी शुजात की रहायशगाह पर पहुंच गई। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद असेंबली का इजलास इस वक्त ना शुरू हुआ। इसकी वजह यह भी थी कि जब तक जरदारी की चौधरी शुजात से डील मुकम्मल नहीं होती, तब तक भी वोटिंग का अमल रोका रहा। जैसे ही जरदारी और शुजात के दरमियान डील मुकम्मल हुई, तो साथ ही स्पीकर ने वोटिंग का अमल जारी करवा दिया। जो वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उस पर वोटिंग ना होना क्या तोहीने अदालत नहीं? अदालत के हुक्म के मुताबिक पुलिस का पंजाब असेंबली में दाखिला मना था। इसके बावजूद असेंबली में पुलिस को बुलाया गया, क्या इस पर तोहीने अदालत नहीं लगती? 3 घंटों की तखीर के बाद इजलास जब शुरू हुआ, वोटिंग हुई, रिजल्ट अनाउंस किया गया, तो पूरी पाकिस्तानी अवाम ने देखा किस तरह डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने आइन की धज्जियां उड़ाई, किस तरह गैर आइनी तौर पर फैसला सुनाया और काफली के 10 वोटों को मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, आइन में साफ लिखा है कि पार्लिमानी पार्टी ही फैसला करती है कि वोट किसको डालना है और किसको नहीं। पार्टी सरबरा सिर्फ पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ वर्जी पर रिपोर्ट कर सकता है। इसके बावजूद डिप्टी स्पीकर ने गैर आइनी रोलिंग दी। नाज़रीन, रात पीटीआई और काफली के 186 एमपीएस सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंच गए। अब फैसला नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट करेगी कि क्या डिप्टी स्पीकर की रोलिंग आइनी थी या गैर आइनी। पाकिस्तान के इदारों को ये देखना चाहिए पाकिस्तान की अवाम किस पार्टी को अपना सरबराह चाहती है और किस पार्टी से अपनी जान छुड़वाना चाहती है। अवाम की इस ख्वाहिश का एहतराम किया जाए और पाकिस्तान को तबाह होने से बचाया जाए। हम बात करते हैं बाबर अवान की, जिन्होंने एक ऐसा इंकशाफ किया कि अगर वो सच हुआ तो 5 मिनट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला सामने आ जाएगा। बाबर अवाम ने इंकशाफ किया कि पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के 7 एमपीएस मौजूद ही नहीं थे, लेकिन वोटों की गिनती में इन्हें शामिल किया गया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वकीलों को बाबर अवान के इस पॉइंट को भी सुप्रीम कोर्ट में जेर बहस लाना चाहिए और इस तरह के फैसले करने वालों को और अवाम से बेहूदा मजाक करने वालों को इबरतनाक सजा देनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी पीटीआई का मुनहरिफ रुकन है। जो बंदा अपने जमीर का पहले ही सौदा कर चुका हो, वो क्या इंसाफ करेगा? नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। पीडीएम की तमाम सियासी जमातों का मुस्तकबिल पाकिस्तान से ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। इस हुकूमत की गलत पॉलिसियों और गैर आइनी कामों से परेशान होकर ये अवाम इनके खिलाफ सड़कों पर निकलना शुरू हो गई है। इमरान खान की रात को दी जाने वाली कॉल पर पूरी पाकिस्तान की अवाम जिस तरह सड़कों पर निकली, ये देखकर पीडीएम की हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है। इस डर की वजह से पंजाब हुकूमत ने पंजाब में रेंजर्स तैनात कर दी है। यकीनन पीडीएम को इस बात का इलम है कि जो गैर आइनी काम उन्होंने किया है, इस पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों और पाकिस्तानी अवाम को कंट्रोल करना इनके बस की बात नहीं है। इसी वजह से इन्हें पंजाब में रेंजर्स को तलब करना पड़ा।
नाजरीन जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल बन रही है, सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैं। अगर फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नहीं आता तो रेंजर्स भी इस अवाम के समंदर को रोक नहीं सकेगी, जिसको इमरान खान ने हक और सच का शऊर दे दिया है। आखिर में नाजरीन बात करते हैं किस तरह से आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून की सियासत को कब्र में उतार दिया है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इतने बेवकूफ हैं कि बेवकूफों की तरह आंखें बंद किए आसिफ जरदारी की हर बात को मानती जा रही है। जिस तरह मुस्लिम लीग नून की सियासत तबाह हो गई, इससे सबक सीखने की बजाय मुस्लिम लीग काफ के सरदार चौधरी शुजात ने भी आसिफ जरदारी की बातों में आकर ना सिर्फ अपनी सियासत को खत्म करने की कोशिश की है बल्कि अपने भाई की पीठ में छुरा भी घोंपा है। इस सारी सियासत में मोनस इलाही, जो परवेज इलाही का बेटा है, इसका बहुत अहम किरदार है। मोनस इलाही अकलमंदी से अपनी और अपने बाप की सियासत को दफन होने से बचा गया है। डिप्टी स्पीकर की गैर आइनी रोलिंग पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जेरे समात है। नाज़रीन पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम अपने सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहिबान की तरफ उम्मीद से देख रही है। अगर तो मौजूद जज आइन के मुताबिक फैसला देते हैं तो पाकिस्तान की अवाम अपने सुप्रीम कोर्ट को सलूट पेश करेगी, और अगर फैसला आइन के खिलाफ आता है तो पाकिस्तान की अवाम इस बार अपने हक के लिए ना तो खामोश बैठेगी और ना ही पीछे हटेगी। फिर चाहे ये इंपोर्टेड हुकूमत रेंजर्स को बुलाए या फिर फौज को बुलाए, ये अवाम अब गुलामी बर्दाश्त नहीं करेगी। नाज़रीन आज के व्लॉग में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।